एवरीवन एंड वेलकम टू स्टूडियस ऑरा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को हम यूनिवर्सल प्रिकॉशंस भी कहते हैं। 1983 में CDC ने पब्लिश की थी आइसोलेशन प्रिकॉशंस या स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस या यूनिवर्सल प्रिकॉशंस की गाइडलाइंस। ओके, सो वन सेक्शन ब्लड एंड बॉडी फ्लूड प्रिकॉशंस। अधेयर टू दीज प्रिकॉशंस व्हेन अ पेशेंट वॉज नॉन और सस्पेक्टेड टू बी इन्फेक्टेड विद ब्लड बॉर्न पैथोजन लाइक HIV और हेपेटाइटिस बी। सो जो ब्लड और बॉडी फ्लूड प्रिकॉशंस होती है ना, वो किन पेशेंट्स के लिए अप्लाई की गई थी कि जो कि या तो सस्पेक्टेड हों या फिर नोन टू बी इन्फेक्टेड विद लाइक HIV और हेपेटाइटिस बी। ओके, सो इन अगस्त 1987 रिकमेंडेशंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन इन हेल्थ केयर सेटिंग्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इन्फेक्शन स्टेटस। 1987 में ये रिकमेंडेशंस दी गई कि मतलब अगर हमें किसी पेशेंट का पता है कि वो HIV इन्फेक्टेड या हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड है, या फिर वो सस्पेक्टेड है, या हमें किसी पेशेंट्स का नहीं भी पता है, तो भी हम सबको एक ही मान के चलेंगे। मतलब रिकमेंडेड है कि हमें सबके लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने हैं, बट जो नोन या सस्पेक्टेड हैं उनके लिए ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं। तो उसे ही हमने कहा था स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस या यूनिवर्सल प्रिकॉशंस या फिर आइसोलेशन प्रिकॉशंस। ओके, सो द एक्सटेंशन ऑफ प्रिकॉशंस टू ऑल पेशेंट्स वॉज रेफर्ड टू एज यूनिवर्सल प्रिकॉशन। सारे पेशेंट्स के लिए अगर हम कोई भी प्रिकॉशंस लेते हैं तो वो सारी हमारी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होती हैं, और ये किस लिए ले रहे हैं हम? टू प्रिवेंट फ्रॉम दी इन्फेक्शन, मेनली ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। सो नाउ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, इन 1996 द CDC इस्टेब्लिश द टर्म स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। पहले हम इसे यूनिवर्सल प्रिकॉशंस कहते थे, बट 1996 में CDC ने इसे क्या कहा? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एक नाम दिया। सो दिस ब्रॉडन द फोकस ऑन प्रिवेंशन, ओके, एंड अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स टू ऑल पेशेंट्स रिगार्डलेस ऑफ डायग्नोसिस और प्रिज्यूम्ड इन्फेक्शन स्टेटस। नाउ दीज गाइडलाइंस कंसिडर द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलनेस फ्रॉम बोथ रिकोगनाइज एंड अनरिकोगनाइज सोर्सेज। सो अब ये जो गाइडलाइंस हमें मिली थी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के लिए, इसमें क्या था? पहले तो हम सिर्फ उन्हीं के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यूज़ करते थे जो कि या नोन है या फिर सस्पेक्टेड है टू डी ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस, बट अब हम हर पेशेंट के लिए ये सारी प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं, बिकॉज वी डोंट नो के पेशेंट जिस टाइम एडमिट हो रहा है, वी डोंट नो कि उसको कोई ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है या नहीं है। ओके, देन अब स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते क्या हैं? सो दीज आर द सेट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस दैट हेल्थ केयर पर्सनल यूज टू रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। ये कुछ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि हम हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं यूज़ करते हैं अपने, सो दैट हम जो है ना रिड्यूस कर सकें, प्रिवेंट कर सकें ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। ओके, सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस प्रोटेक्ट बोथ हेल्थ केयर पर्सनल एंड पेशेंट्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस एजेंट, बिकॉज अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है तो अगर हम प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं तो हमें भी प्रिवेंशन होगा और पेशेंट को भी प्रिवेंशन होगा। क्या पता ये पेशेंट एक पेशेंट इन्फेक्टेड नहीं है, है इन्फेक्शन कहीं और से आ रहा है सराउंडिंग से, सो दिस विल बी प्रिवेंटेड। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दैट? फर्स्ट इज़ हैंड हाइजीन, विच इज़ वेरी नेसेसरी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन रखोगे तो 50% आपके जो इन्फेक्शन है वो पहले ही प्रिवेंट हो जाएंगे। देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, देन नीडल स्टिक एंड शार्प इंजरी प्रिवेंशन, देन क्लीनिंग एंड डिसइन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, कफ एटिकेट्स मेनली, वेस्ट डिस्पोजल एंड सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस। सो क्लीनिंग एंड डिसइन्फेक्शन हो गया, वेस्ट डिस्पोजल, सो ये तो करते ही हैं, ठीक है। नाउ विच हैंड हाइजीन मेथड इज़ मोर इफेक्टिव एट किलिंग बैक्टीरिया? कौन सा वाला ज़्यादा इफेक्टिव होगा, सो ओपन वाटर वाला या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, एंड विच हैंड हाइजीन मेथड इज़ लेस डैमेजिंग टू योर स्किन? इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो कि हमारी स्किन के लिए लेस डैमेजिंग है, सो ओपन वाटर वाला या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे इन दोनों के आंसर्स विद रीजन। नाउ हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन प्रोसीजर्स इंक्लूड द यूज़ ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आजकल हम सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, एंड हम हैंड वॉश भी कर सकते हैं विद सोप एंड वाटर। देन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब जो होता है वो प्रेफर्ड मेथड है डिकंटेमिनेटिंग हैंड्स
के लिए, मतलब हैंड्स को डिकंटेमिनेट करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड मेथड है, बट हम इसे कब यूज़ नहीं कर सकते, जब हमारे हैंड्स जो है विजिबली सॉइल्ड हैं, अगर उस पर डर्ट लगी हुई है, ब्लड, बॉडी फ्लूड या फिर कोई भी और मटेरियल लगा हुआ है, तो हमें सोप एंड वाटर से ही अपने हाथों को क्लीन करना चाहिए। ओके, देन अगर हम किसी भी सस्पेक्टेड इन्फेक्शियस पेशेंट को केयर कर रहे हैं हम उसकी, उसके बाद हमें सोप एंड वाटर से ही अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए। देन हैंड हाइजीनिक स्टेशन शुड बी स्ट्रेटेजिकली प्लेस टू इंश्योर ईजी एसेस। हैंड हाइजीन स्टेशन वहाँ होना चाहिए जहाँ कि हम इजीली एसेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हैंड मतलब लाइक वॉश बेसिन इतनी दूर है या फिर ऐसी जगह पे है जहाँ हम जा ही नहीं सकते, हमें बार बार हैंड वॉश करने में प्रॉब्लम आ रही है। सो इजीली एसेसिबल होना चाहिए। देन हैंड वॉश के स्टेप्स होते हैं कुछ, ओके, वो आप लोग जानते ही होंगे। सो हैंड वॉश हमें कब तक करना होता है? 30 सेकेंड्स तक, 30 to 40 सेकेंड्स करना होता है विथ सोप एंड वाटर। ओके, देन जो हैंड रब है हमारा, उसे हम 20 to 30 सेकेंड्स करेंगे विद अ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। ओके, दी स्टेप्स आर सेम फॉर हैंड वॉश एंड हैंड रब, बट ओके। देन अब हमें, हमारे पास 5 मोमेंट्स होते हैं हैंड हाइजीन के, कि हमें कब कब हैंड हाइजीन करनी है। सो बिफोर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट के ऊपर कोई भी क्लीन या असेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले। ओके, देन कोई भी, अगर आप किस पेशेंट की किसी भी बॉडी फ्लूड के एक्सपोजर में आते हो, ठीक है, बॉडी फ्लूड के कांटेक्ट में आते हो, तब आपको उसके बाद हैंड वॉश करना है। देन पेशेंट को टच करने के बाद और पेशेंट की सराउंडिंग्स को टच करने के बाद हैंड वॉश करना है। तो ये 5 मोमेंट हो गए हमारे हैंड वॉशिंग के। ओके, नाउ किस तरह के हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं हेल्थ केयर सेटिंग्स में? तो सबसे कॉमनली हम यूज़ करते हैं ग्लव्स अपने हैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, देन गाउन या एप्रन्स अपनी स्किन और क्लोदिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी कोई प्रोसीजर करते हो, लाइक सेक्शन कर रहे हो आप, तो अपने क्लोदिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम गाउन्स यूज़ कर सकते हैं, सो दैट जो स्पिल अगर कोई होता है तो हमारे डायरेक्ट क्लोदिंग्स पे नहीं होगा। ओके, देन मास्क और रेस्पिरेटर्स, माउथ और नोज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। रेस्पिरेटर्स क्या होते हैं? प्रोटेक्ट रेस्पिरेटर ट्रैक्ट फ्रॉम एयरबॉर्न इन्फेक्शियस एजेंट्स। देन गॉगल्स फॉर प्रोटेक्टिंग आई, देन फेस शील्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फेस, माउथ, नोज एंड आईज। नाउ पीपीई के सिलेक्शन में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं? सो फर्स्ट, टाइप ऑफ एक्सपोजर क्या होगा? अगर मैंने बताया था जैसे कि स्प्लैशेज या कुछ हो रहा है, तो हमें पूरी पीपीई पहननी है, लाइक हमें गाउन्स भी पहनना होगा। स्प्लैशेज हैं सो ऑब्वियसली फेस शील्ड भी पहनना होगा, क्योंकि हमारे फेस पे भी आ सकती हैं। देन कैटेगरी ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन, किस कैटेगरी का आइसोलेशन प्रिकॉशन हमें लेना है। ड्यूरेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टास्क एंड फिट। सो ग्लव्स, इसका पर्पस क्या है? पेशेंट केयर करना, एनवायरमेंटल सर्विसेज एंड अदर। ग्लव्स किस मटेरियल के बने होते हैं? मोस्टली विनाइल, लेटेक्स या नाइट्राइल के बने होते हैं। मेनली तो आपको लेटेक्स के ग्लव्स मिलते हैं, ओके, रबर ग्लव्स। देन स्टेराइल या नॉन स्टेराइल होते हैं, दो तरह के होते हैं। स्टेराइल ग्लव्स तो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, नॉन स्टेराइल क्लीन ग्लव्स हो सकते हैं। 1 or 2 pairs, सिंगल यूज और यूजेबल। 1 or 2 pair का क्या मतलब हुआ? 1 pair आप जब यूज़ करते हो, जब आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो, ठीक है। 2 pair ग्लव्स जब बहुत ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस चाहिए, ठीक है, तब आप 2 pairs ग्लव्स यूज़ कर सकते हो, या फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स में 2 pair ग्लव्स यूज़ कर सकते हो। देन सिंगल यूज़ होते हैं, रियूजेबल ग्लव्स भी होते हैं। डूज एंड डोंट्स ऑफ ग्लव यूज़, वर्क फ्रॉम क्लीन टू डर्टी, क्लीन से डर्टी की साइड वर्क करना है हमें। पहले ही आप अगर डर्टी वर्क कर लोगे तो आपके ग्लव्स जो है वो डर्टी हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आप असेप्टिक प्रोसीजर करने जा रहे हो, लाइक स्टेराइल प्रोसीजर करने जा रहे हो और एक क्लीन प्रोसीजर करने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले स्टेराइल प्रोसीजर करना है, उसके बाद ही क्लीन प्रोसीजर करना होगा। ओके, देन लिमिट द अपॉर्चुनिटीज फॉर टच कंटेमिनेशन, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अदर एंड द एनवायरमेंट। Do not touch your face or adjust PPE with contaminated gloves, and do not touch environmental surfaces except as necessary during the patient care. Then do's and don'ts of glove. This is continued. आपको gloves कब कब चेंज करने हैं? अगर आपके gloves जो हैं वो visibly soiled हो जाते हैं, ओके, उस पर ब्लड स्टेन्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा, या फिर बॉडी फ्लूड्स आ गए, तब आपको चेंज करना है, या फिर अगर जो है ग्लव्स टियर हो जाते हैं, आपके ग्लव्स फट गए हैं, तो आपको चेंज करने होंगे ऑब्वियसली आफ्टर द यूज़ ऑफ ईच पेशेंट। हर एक पेशेंट के लिए आपको ग्लव्स चेंज करने चाहिए।
बिकॉज अगर आप दो पेशेंट्स पे, चार पेशेंट्स पे अगर एक ही ग्लव्स को यूज़ कर रहे हो, सो यू आर ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन। देन डिस्कार्ड करना है अप्रोप्रिएट रिसेप्टिकल्स में, लाइक वॉश नहीं करना है कभी भी, रीयूजेबल डिस्पोजेबल ग्लव्स जो है उन्हें कभी भी वॉश नहीं करना है आपको, डिस्कार्ड करना है आपको। मेनली किस में डिस्कार्ड होता है? रेड बिन में। ओके, गाउन्स और एप्रन्स। सो गाउन और एप्रन हम कब पहनते हैं? जब भी कोई बॉडी बॉडी फ्लूड का स्प्लैशेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं तब हमें गाउन पहनना है टू प्रोटेक्ट द क्लोदिंग। ये नेचुरल हो सकता है, मैन मेड हो सकता है, रीयूजेबल है या फिर डिस्पोजेबल हो सकता है। रेजिस्टेंस टू फ्लूड पेनिट्रेशन, ठीक है, इस टाइप के हो सकते हैं। क्लीन या स्टेराइल गाउन हो सकते हैं। देन फेस प्रोटेक्शन के लिए हम मास्क या मास्क एंड गॉगल्स लगाते हैं। मास्क क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करेगा नोज़ और माउथ को। ओके, शुड फुली कवर द नोज़ एंड माउथ टू प्रिवेंट द फ्लूड पेनिट्रेशन। पूरी तरह से कवर करना चाहिए हमारी नोज़ और माउथ को। ओके, ऐसा नहीं है कि मास्क नोज़ से, मतलब कुछ लोग होते हैं नोज़ पे नहीं लगाते, उसे नीचे कर लेते हैं, या फिर मास्क ढीला है उसमें से कुछ भी अंदर जा रहा है, ठीक है, सो इट शुड नॉट बी देयर। गॉगल्स आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए फिट होने चाहिए अच्छी तरह आइज़ के अराउंड। पर्सनल ग्लासेस यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। पर्सनल ग्लासेस और गॉगल्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। गॉगल्स जो होते हैं ना, ये वाले आई प्रोटेक्ट वाले, इसमें साइड्स में से पूरा कवर करता है आइज़ को, बट आपके जो पर्सनल ग्लासेस हैं वो पूरा कवर नहीं करते हैं। देन एंटी फॉग फीचर होना ही चाहिए गॉगल्स में। अगर फॉग आएगी उस पर आपके मास्क की वजह से तो यू कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। देन फेस प्रोटेक्शन के लिए आप फेस शील्ड पहन सकते हो जो कि प्रोटेक्ट करेगा आपके फेस को, नोज़ को, माउथ को एंड आइज़ को। ये कवर करना चाहिए फोरहेड को, एक्सटेंड बिलो द चिन एंड रैप अराउंड साइड ऑफ फेस। देन रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या क्या करोगे? सो फर्स्ट हम रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं? सो प्रोटेक्ट फ्रॉम इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्शस एरोसोल्स लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ओके, विच कॉज टीबी। पीपी टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, पर्टिकुलेट रेस्पिरेटर्स होते हैं, फुल और हाफ फेस इलास्टोमेरिक रेस्पिरेटर्स होते हैं, पाउडर एयर प्योरीफायर रेस्पिरेटर्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन प्रोग्राम के? मेडिकल इवेल्युएशन, फिट टेस्टिंग, ट्रेनिंग, फिट चेकिंग बिफोर यूज़। नाउ पीपी यूज्ड इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, हाउ टू सेफली डन यूज़ एंड रिमूव पीपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डन बिफोर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट। पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आने से पहले आपको पीपीई पहनना है, पेशेंट के रूम में जाने से पहले आपको पीपीई पहनना है, तभी वो किसी यूज़ का है, अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो यूज़। यूज़ केयरफुली, डो नॉट स्प्रेड कंटेमिनेशन। रिमूव एंड डिस्कार्ड केयरफुली ईदर एट द डोरवे और इमीजिएटली आउटसाइड द पेशेंट रूम। रिमूव रेस्पिरेटर आउटसाइड द रूम। अब जो आपको रिमूव करना है, आप पेशेंट के रूम से बाहर आते ही आप रिमूव करोगे अपने पीपीई, और जब तक आप पेशेंट रूम के अंदर हो आप अपने रेस्पिरेटर को रिमूव नहीं करोगे। ओके, देन इमीजिएटली परफॉर्म हैंड हाइजीन। मैंने बताया था 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, उस पर तो आपको हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है। अगर विजिबली आपके हैंड सॉइल हो जाते हैं तब भी आपको हैंड हाइजीन या हैंड रब यूज़ करना है। ओके, देन सीक्वेंस क्या होता है फॉर डनिंग ऑफ पीपी? फर्स्ट आप गाउन पहनोगे, देन मास्क और रेस्पिरेटर, देन गॉगल्स या फेस शील्ड, देन ग्लव्स, ग्लव्स एट द लास्ट। ओके, देन नाउ हाउ टू डन ए गाउन। सो सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टाइप एंड साइज। ओपनिंग इज इन द बैक, ओपनिंग जो होती है वो बैक में होती है, ठीक है। सिक्योर करना है नेक और वेस्ट पे से। अगर गाउन बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो आपको दो गाउन यूज़ कर सकते हो, एक बैक से ट्राई करोगे और एक फ्रंट पे ट्राई करोगे, बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है। अपने अप्रोप्रिएट साइज़ का गाउन आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसे बैक से ही ट्राई करना है। देन मास्क जो आपको पहनना है, इस प्लेस ओवर द नोज, माउथ एंड चिन, पूरा कवर होना चाहिए आपका माउथ, नोज एंड चिन। फ्लेक्सिबल नोज पीस होना चाहिए ओवर द नोज ब्रिज, जिसे आप जो है अपनी नोज के अकॉर्डिंगली शेप कर सकते हो। देन सिक्योर ऑन हेड विद टाइज और इलास्टिक। टाइज या इलास्टिक से अपने हेड पर सिक्योर कर सकते हो। आजकल कोविड के बाद तो सारे इलास्टिक वाले आने लगे हैं, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। देन एडजस्ट टू फिट। हाउ टू डन ए पर्टिकुलर रेस्पिरेटर? सिलेक्ट अ फिट टेस्टेड रेस्पिरेटर, प्लेस ओवर नोज, माउथ एंड चिन, फिट फ्लेक्सिबल नोज पीस ओवर द नोज ब्रिज। वैसे ही है जैसे मास्क को आपको करना है। ओके, देन फेस आई एंड फेस प्रोटेक्शन आपको कैसे पहनना है? सो गॉगल्स को अपनी आईज़ के ऊपर पूरी तरह से सिक्योर करना है आपको यूजिंग दी हेड बैंड। ओके, पीछे की साइड जो हेड बैंड होता है उससे पूरा अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा।
फेशियल को आपको अपने फेस पे पूरी अच्छी तरह से सिक्योर करना है विद द फोरहेड, ओके, एडजस्ट टू फिट कंफर्टेबली। ग्लव्स कैसे पहनने, डन ग्लव्स लास्ट, लास्ट सबसे लास्ट में आपको ग्लव्स पहनने, करेक्ट साइज़ के होने चाहिए आपके, करेक्ट टाइप के होने चाहिए जो आप काम करने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग। देन इंसर्ट हैंड इन टू ग्लव्स, एक्सटेंड ग्लव्स ओवर आइसोलेशन गाउन कफ, गाउन के कफ के ऊपर पहनना है आपको ग्लव्स। देन हाउ टू सेफली यूज़ पीपी, कीप ग्लव हैंड अवे फ्रॉम फेस, आपने ग्लव्स पहन ली है ठीक है, तो ग्लव्स वाले हाथों से आपको अपने फेस को टच नहीं करना है, अपनी बाकी पीपी को एडजस्ट या टच करने की कोशिश ना ही करें तो बेटर होगा, आई मीन अवॉइड करो ठीक है, क्योंकि ग्लव्स से आप कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हो, अगर आप पीपी को टच करोगे तो वो कंटेमिनेटेड हो सकते हैं। देन अगर ग्लव्स आपके टियर हो गए हैं ठीक है, फट गए हैं, तो आप उन्हें चेंज कर लो, और हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है नए ग्लव्स पहनने से पहले, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें टच करने को अवॉइड करना है। देन अब रिमूव कैसे करना है, तो रिमूव के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आउटसाइड फ्रंट जो होता है ना हमारा आगे का एरिया पीपी का, वो कंटेमिनेटेड होता है ओके, और जो क्लीन एरिया होता है वो इनसाइड का होता है, तो हमें क्या करना है कि क्लीन इनसाइड आउट में हमें पीपी को रिमूव करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो गाउन है उसे भी हम इनसाइड आउट करके रिमूव करेंगे। सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले हमें ग्लव्स निकालने, सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड होते ग्लव्स, वो हमें निकाल देने हैं सबसे पहले, फिर फेस शील्ड और गॉगल्स निकाल देंगे, देन उसके बाद हम गाउन हटाएंगे, और एट लास्ट में हम मास्क हटाएंगे, सो दैट हम जो भी पीपी अपना रिमूव कर रहे हैं तो उससे कोई भी पार्टिकल्स हमारे एयरवे में ना आ सके। सो हमें पीपी जो रिमूव करना है वो हम डोरवे पे कर सकते हैं, लाइक पेशेंट का रूम छोड़ने से पहले जहाँ भी पीपी रिमूव के लिए डस्टबिन्स होते हैं वहाँ पे हम उसे रिमूव कर सकते हैं, या फिर उसके रूम के बाहर, पेशेंट के रूम के बाहर ओके। देन ग्लव्स हमें कैसे निकालना है, ग्रैस्प करना आउटसाइड एज, जैसे इन्होंने आउटसाइड एज को ग्रैस्प किया है ना, इसे पकड़ के हमें पील अवे करना है फ्रॉम हैंड से, मतलब ग्लव को उल्टा उतारना है, इनसाइड आउट करके उतारना है ओके, ऐसे ही दूसरे ग्लव्स के में करना है ओके। देन गॉगल्स में, गॉगल्स तो आप निकाल ही सकते हो, लिफ्ट अवे फ्रॉम द फेस प्लेस्ड इन द डिजाइन रिसेप्टिकल्स फॉर, देन डिस्पोज कर देना है इसे, देन रिमूविंग आइसोलेशन गाउन, सो ये भी इनसाइड आउट करके हमें रिमूव करना होता है, अनफास्टन टाइज, देन पील गाउन अवे फ्रॉम नेक एंड शोल्डर, सो इसे भी हम इनसाइड आउट मैनर में ही रिमूव करेंगे ओके, देन डिस्कार्ड कर देंगे। मास्क हमें कैसे रिमूव करना है, सबसे पहले पीछे इसकी जो पीछे की जो टाई है उसे अनटाई करना है ठीक है, देन रिमूव करना है फेस मास्क एंड उसे डिस्कार्ड कर देना है। देन रिमूव अ पर्टिकुलर रेस्पिरेटर, रेस्पिरेटर कैसे रिमूव करना है, सबसे पहले जो नीचे बॉटम वाली इलास्टिक है ना उसे अपने हेड के ऊपर लाना है ओके, उसके बाद हमें जो टॉप वाली इलास्टिक है उसे निकालना है, क्योंकि हम अगर पहले टॉप वाली इलास्टिक निकाल देंगे तो जो बॉटम जो है वो हमारी नेक पे आकर टच हो जाएगा, मतलब बॉटम वाली इलास्टिक के सहारे जो रेस्पिरेटर होगा हमारी नेक पे आकर टच हो जाएगा, जिससे कि इन्फेक्शन हो सकता है। नीडल स्टिक एंड शार्प इंजरी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट हेल्थ केयर वर्कर्स एक्सपोजर टू ब्लड बॉर्न पैथोजेंस, इट मैंडेट्स द यूज़ ऑफ शार्प विद इंजीनियर्ड सेफ्टी डिवाइस व्हेन सुइटेबल डिवाइस एग्जिट, यूज़ नीडल, मतलब यूज़ नीडल जो भी है ना वो हमें डिस्कार्ड कर देनी है, जब भी हम किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसे हमें बहुत ही केयरफुली वो प्रोसीजर हैंडल करना होता है ओके। देन लीक प्रूफ, पंचर प्रूफ या टैम्पर प्रूफ शार्प कंटेनर्स होते हैं जिस लेबल्ड विद बायोहजार्ड लेबल, तो हमें जो भी नीडल या शार्प होता है वो हमें उस पंचर प्रूफ कंटेनर में डिस्कार्ड करना होता है ओके। उस कंटेनर को ओवरफिल नहीं करना है, बिकॉज क्या होगा अगर ओवरफिल हो जाता है और किसी वजह से वो कंटेनर जो है वो गिर जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसकी वजह से